Kusum. तुम्हारा कैबिन? Excuse me, come on. Good morning, sir. Good morning. किसके कहने पे किया? मेरे कहने. मेरे. तुमने? हाँ चाची. वो क्या है ना, मुझे अपना कैबिन जरा थोड़ा छोटा सा लग रहा था, तो मैंने बस उसे एक्सटेंड करा लिया. लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप तो आराम से ऊपर ललित चाचू के कैबिन में बैठ सकते हैं. क्या है ना, उनका कैबिन काफी बड़ा है और मल्होत्रा अंकल से तो मैंने पार्टीशन की बात कर ही ली. तुम होती कौन हो कुसुम, ये फैसला करने वाली कि कौन कहाँ बैठेगा? ये फैसला नितिन भाई साहब करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, समझी तुम? आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये फैसला एक कंपनी के चेयरपर्सन का होता है और इस कंपनी के चेयरपर्सन मैं हूँ. भूल गए चाचू, आप लोगों ने ही तो मुझे बनाया था कपूर इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन. वैसे भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि 6 दिन के अंदर अंदर बंटवारा तो हो ही जाएगा, तो ये कैबिन ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा, है ना? कुसुम. अरुंधति, इसे बात करने से कोई फायदा नहीं, गलती हमारी है, हमने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया. Let's go from here. क्या आपने मुझे ये बात पहले बताई क्यों नहीं? सर मैं क्या करता वो ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आज शाम तक यहाँ एक ग्लास पार्टीशन लगवा दूंगा. इसकी कोई जरूरत नहीं है, पार्टीशन के बगैर ही ऑपरेट करेंगे. लाली, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे? आप यहीं से ऑपरेट कीजिए, यहाँ बहुत जगह है. अरे कुसुम बेटी, थैंक यू अंकल. देखो बेटी, भगवान शंकर ने संसार को बचाने के लिए सारा जहर पी लिया था और तुम अपने परिवार को बचाने के लिए सारा दर्द अकेले सहन कर रही हो. भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा. आप लोगों के दिलों में भी बहुत प्यार है चाचू, मैं तो आप लोगों को बस एहसास दिलाना चाहती थी. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की कुसुम? अब बड़े भाई साहब का भी कोई लिहाज नहीं रहा? तुम्हारा क्लब जाना भाई साहब के हॉस्पिटल जाने से ज्यादा जरूरी था? अच्छा हुआ मैं वहां पहुंचा, मैं भाई साहब को लेकर गया, वरना. और तुमने कपिल भाई साहब के साथ बदतमीजी की, तो उनका बड़ापन था, उन्होंने कुछ नहीं कहा. तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही. ओफो, जस्ट चिल एवरीबॉडी. आप लोग तो खामखा ओवररिएक्ट कर रहे हैं. अरे अब मुझे दिन भर में इतने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं. जाहिर सी बात है मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत थी, तो मैंने ज्यादा स्पेस ले ली. अब हूं तो मैं कंपनी की चेयरपर्सन ना. क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपनी मनमानी करोगी, सबकी बेइज्जती करोगी तुम? एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप ही वो लोग हैं जो बंटवारा चाहते थे और अब ये. फैमिली ड्रामा का नाटक, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. मुझे तो लग रहा था कि 6 दिन में इस घर का बंटवारा होने वाला है और मैंने सोचा था आप लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन ये ड्रामा, आई डोंट गेट इट. इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, ताकि आप सबको याद रहे कि 6 दिन के बाद कितना बड़ा इवेंट होने वाला है. मैं ना आप लोगों के लिए मैं क्या है ये कैलेंडर लगा देती हूँ और इस पे वो सारी डेट्स मार्क कर देती हूँ, ताकि हम सबको हमेशा याद रहे कि आज से 6ठा दिन हमारे लिए कितना अहम दिन, ऐतिहासिक दिन. व्हाट्स इट, गुड आइडिया. मैं इसे कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दे.
बात मानिए, आप सब अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए अब। कुसुम, हाउ डेयर यू? तुमने भैया और भाभी की तस्वीर यहाँ से क्यों हटाई? इसलिए क्योंकि मुझे फोटो यहाँ नहीं चाहिए। अब जाहिर सी बात है, बंटवारे के बाद तो हॉल मेरे ही हिस्से में आएगा, तो क्या मतलब? Well, मतलब ये कि सबसे बड़ा हिस्सा जब मेरा होगा तो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे हॉल में ये फोटो रहे। भैया और भाभी की तस्वीर यही रहेगी और इसे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। जैसा आप सब चाहें। दिन ही कितने बजे? Only six. मैं भी यही चाहती हूँ कि सिर्फ 6 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए फोटो यहीं रहे। तुमने मुझे इस घर से अलग करके इस घर को तोड़ने की कोशिश की है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ सिर्फ नफरत खोली है। लेकिन मैं तुमसे आज एक वादा करती हूँ और वो वादा ये है कि अब मैं तुम्हारे यहाँ रहते रहते तुम्हारी ही मौजूदगी में इस घर को फिर से एक करूंगी तुम्हारे सामने। And that's a promise. चैलेंज कर रही हो? ओके देन, तुम भी यहाँ हो और मैं भी। अब देखते हैं कि कौन इसे जोड़ता है और कौन इसे तोड़ता है। And that's a promise. Party anytime. Okay. Bye bye. Ramu, तुम्हें पता है? मैंने अपना बंगलो पसंद कर लिया है और वहां बस शांति ही शांति है। Ramu, 6 दिन बाद हम भी अपने पेंट हाउस में शिफ्ट होने वाले हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी अरेंजमेंट्स कर लेनी चाहिए। हमारा क्या है बाबूजी? हम तो शुरू से ही नितिन बाबूजी और माँ जी के साथ इसी घर में रहे और आगे भी यहीं रहेंगे। सॉरी राम, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह पाओगे क्योंकि क्या है ना, जब ये घर ही नहीं बचेगा तो तुम यहाँ कैसे रहोगे? क्या मतलब? भाई, जब हर चीज का बंटवारा हो रहा है तो इस घर का भी तो होना चाहिए। तो मैंने इस घर को लगा दिया फॉर सेल। वैसे तो इस घर की कीमत कुछ 10 करोड़ है, लेकिन मिस्टर तेजवानी है ना मम्मी जी, उन्होंने मुझे 11 करोड़ का ऑफर दिया। क्या वो इस घर को तोड़कर यहाँ एक होटल बनाना चाहते? मैंने कहा व्हाई नॉट, सबको बैठे बैठे 2.5 करोड़ मिल जाएंगे। अच्छा ऑफर है ना मम्मी जी? अब वैसे आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए मुझे आपके सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। क्या हुआ, मेरा आइडिया पसंद नहीं आया आप लोगों को? सारी तैयारियां हो गई हैं, अब आप लोग इन पेपर्स पर साइन कीजिए और आराम से बैठिए। जानती हूँ
आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो शुरुआत आपसे करते हैं चाचा। लीजिए। वैसे आपकी धर्मपत्नी ने आपको बताया तो होगा कि डील कितनी इंटरेस्टिंग है। भाई बैठे बैठे 2.5 करोड़ मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं तो कहती हूँ सबको इन पेपर्स पर साइन करना चाहिए, पैसे लेने चाहिए और घर पे आराम से बैठना चाहिए। व्हाट से चाचू, साइन कीजिए। मैं सबसे छोटा हूँ, अगर कपिल भाई साहब और नितिन भाई साहब साइन करेंगे तो मैं साइन करूंगा। चाचू अब इन बातों का क्या फायदा, देखिए बंटवारा तो होने ही वाला है तो। बड़े छोटे का लिहाज आपको नहीं, हमें है। प्लीज। चलिए तो आप कपिल चाचू, क्योंकि आप ललित चाचू से बड़े हैं तो आप ही साइन कर दीजिए। और वैसे आप तो पहले इंसान थे जो बंटवारा चाहते थे। नेक काम में देरी कैसे। लगता है सबसे पहले साइन आप ही को करना पड़ेगा। बंटवारा तो सभी चाहते हैं लेकिन आपकी इज्जत भी करते हैं ना, तो आप ही साइन कीजिए। साइन मत करना प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी साइन कीजिए ना, मुझे बहुत जल्दी। जल्दी तो तुम्हें होगी कुसुम, लेकिन जिस घर को हमने अपने हाथों से बसाया उसे उजाड़ने में हमें कितना दर्द होता है, तुम क्या समझोगे। अब इन सब बातों से क्या फायदा, देखिए मम्मी जी बंटवारा तो होना है तो बंटवारा नहीं होगा, इस घर का बंटवारा नहीं होगा। जिसके हिस्से में जो कुछ भी आता है ना वो मुझसे ले लेना, पर इस घर को मैं नहीं छोड़ दूंगी, मैं इस घर से जुदा नहीं हो सकती। इस घर में तो मेरे बच्चों के बच्चे पले बड़े, मैं इस घर से जुदा नहीं हूं। ऐसे भी अब जीने की इच्छा तो रही नहीं, बस जो कुछ भी बाकी बचा है वो चंद याद है जो इस घर से जुड़ी हुई। नहीं मैं ये घर से नहीं जाऊंगी। अभी हमारा भी अस्तित्व इस घर के साथ ही जुड़ा हुआ है, मैं और अरुंधति ये बंटवारा नहीं चाहते। अभी मैं नहीं चाहूंगा कि इस परिवार का बंटवारा हो।
आपके साथ। कागज के टुकड़े देख रहे हैं? ये टुकड़े इस बात का सबूत है माँ कि ये घर एक बार फिर जुड़ा। तुम्हीं ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ 25 दिन लगे इस घर को तोड़ने में। इस घर को मैंने अपने प्यार से 25 साल सींचा है और तुम जैसी 25 माही भी आ गई ना तो भी इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस घर को मैंने अपने प्यार से 25 साल सींचा है और तुम जैसी 25 माही भी आ गई तो भी इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुसुम देशमुख, मेरी 20 साल की मेहनत पे एक मिनट में तुमने पानी फेर दिया, लेकिन अब माही देखेगी कि तुम कपूर खानदान को टूटने से कैसे बचाती हो। स्वाति गौतम ने 25 दिन में जो कुछ भी किया उसका असर इतनी आसानी से नहीं मिटा पाओगी। 25 साल में भी नहीं। अब जाओ, जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ सकता सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे ये क्या बदतमीजी है सर, मैं बह गया था सर। कहने पर मैंने ये ट्रक रखा था। बकवास बंद करो, पहले कह रहे थे मैंने ड्रग्स प्लान किया, अब कह रहे हो कुसुम ने किया है। मुझे पता था सर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सर इस काम के लिए मुझे कुसुम मैडम ने 1,00,000 रुपए दिए थे। तुम्हें कुसुम ने 1,00,000 रुपया दिया इन्हें फंसाने के लिए? अब वो बेकार कर गई है, अब मुझे मदद नहीं करिए सर, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर प्लीज मुझे मदद कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। एक शर्त पर बचाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलकर सबके सामने कहना होगा जो अभी तुमने कहा। सर सर आप जो कहेंगे मैं कहूंगा सर, प्लीज आप ये केस वापस ले लीजिए सर, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ सकता सर। चलो मैं सर
मैडम बचो कुसुम, क्योंकि मेरी ये जान तुम्हें शेर और मां दोनों देगी।